झरना बह रहा है यहाँ पे, लाजवाब। मैक्स मैक्स ये देखो चेरी तोड़ रहे हैं। और ये हैं कंचन भैया की माता जी, वो हमारे लिए पराठे बना के लाई हैं। अलग ही एक्सपीरियंस, एक अलग ही अनुभव हुआ है यहाँ पे आके। गुड मॉर्निंग गाइज, एक बार फिर स्वागत है आपका फेलो ट्रेवलर पर। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और घर में भी सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं हूँ अभी गतोला ग्राम पंचायत में और मेरे साथ हैं कंचन भैया के पापा जी। रात को हमने इनके यहाँ स्टे किया था और इनके ही रिश्तेदारी में एक जगह शादी थी, उसमें ही हम शादी इंजॉय करने गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं अंकल जी के फार्म हाउस पे, जो सेब का बागान है उसमें कुछ काम होना है। तो गाइज यहाँ तक ये रोड से हम आए गाड़ी से, हमें इस रास्ते से ऊपर जाना है। अच्छा लग रहा है, झरना बह रहा है यहाँ पे, लाजवाब। ऐसी जगह आ जाओ तो मन अपने आप ही खुश हो जाता है, बढ़िया लगता है। तो अभी भैया के साथ सामान लेके जा रहे हैं। और दोस्तों मैंने भी सोची भैया की थोड़ी सी हेल्प करा दूँ, तो एक पाइप मैंने भी ले लिया है। मैं भी देखता हूँ आज कैसे काम होता है सेब के बागान में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। भैया अंकल जी ने भी एक पाइप ले रखा है, तो मज़ा आएगा आज। और इसी के लिए आए थे हम यहाँ इतनी दूर। तो दोस्तों ये है रियल हिमाचल, और डे टू डे लाइफ में काम करने पड़ते हैं, सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। और ये देखिए, ये है नाशपाती का पेड़। ये अभी तक हमने केवल खाई थी मार्केट से, लेके पेड़ भी नहीं पता था किस तरीके का होता है। अच्छी वाली फीलिंग आ रही है एकदम। और एक चीज़ दिखाऊं आपको, ये है चेरी। चेरी की फ्रूटिंग थोड़ी कम हुई है, इसलिए इसके रेट आजकल बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें बस इतना ही है कि इसको ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते आप। तुरंत तोड़ो, तुरंत कस्टमर तक पहुँचाओ और तुरंत ख़त्म होने जानी चाहिए। लगभग 10 मिनट हो गए लगातार चलते चलते, तो मैं और भैया बैठ गए क्योंकि अब ना ही इनका रोज का काम रह गया है और मेरा तो था ही नहीं कभी से रोज का काम ऐसा। अंकल जी आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे, वो भी बहुत पीछे नहीं है। और दोस्तों ये मेरे सामने आड़ू का पेड़, अभी छोटे छोटे लगे हुए हैं, वो बड़े हो जाएंगे बाद में। मेरे को सारे पेड़ एक जैसे ही लग रहे हैं, बस फला अलग अलग लग रहे हैं उनमें। तो दोस्तों हम लोग आगे कंचन भैया के इस एप्पल गार्डन में। जैसे अपने यहाँ होता है कि खेत से खेत लगे रहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी सबके खेत से खेत लगे। ये इनका है, इससे ऊपर वाला किसी और का है, और इससे नीचे वाला भी किसी और का है। तो दोस्तों यहाँ पे चल रही है स्प्रे, जिससे कि ये जो पत्ते हैं ये गिरे ना, क्योंकि यहाँ बरसात बहुत हुई है और बरसात में क्या होता है कि ये पत्ते जो है पीले पड़ने लगते हैं और गिरने लगते हैं। इससे क्या नुकसान होता है कि अगले साल को इनमें कम फ्रूटिंग होगी, तो उससे बचने के लिए इन पर ये स्प्रे करी जा रही है। गाइज काम पूरा हो गया यहाँ पे, स्प्रे वगैरह करने का सारा कुछ अच्छी तरह निपट गया। अलग ही एक्सपीरियंस, एक अलग ही अनुभव हुआ है यहाँ पे आके, बढ़िया। हम लोग यहाँ से नीचे के लिए, घर के लिए निकल रहे हैं। तो लौट
लौट के आ गए दोस्तों भैया के घर। भाई भैया का घर यहाँ पे, तो आ गए भैया घर पे। भैया का डॉगी है ये, हर आने जाने वाले की खबर लेता है ये। और सामने देखिए कितने बड़ी बड़ी गुलाब के फूल हैं, कितने बड़े बड़े। हमारे यहाँ तो ये इतने बड़े होते ही नहीं हैं। अभी थोड़ा देर बैठते हैं, पसीना आ गया, वहाँ से चल के आए थोड़ा सा। मैक्स मैक्स भैया के कंचन भैया घर पे, और आंटी ने हमारे लिए नाश्ता बनाया है। आटा है, आलू का नहीं है, एक यहाँ पर लोकल उगाई जाती है तांगड़ू, उस चीज़ का ये पराठा है, और साथ में चाय और अचार। तो चेक करता हूँ इसको। अपनी तरफ दाल होती है, जो कचौड़ी बनती है इसमें, धांस जिसको बोलते हैं, सेम वैसे टेस्ट कर रहा है ये। और ये कंचन भैया की माता जी, वो हमारे लिए पराठे बना के लाई हैं। पेट पूजा करने के बाद अब टाइम आता है चेरी के बाग में जाने का। तो हम सब लोग इकट्ठे होकर फिर पहुंच जाते हैं चेरी के बाग में, जहां पे बहुत सारी चेरी पेड़ों पे लगी होती है। फिर क्या आता है, भैया पेड़ों पे चढ़ जाते हैं, ऊपर से चेरी तो तोड़ के देते हैं जो कल मार्केट में बिकनी जाएगी। साथ ही साथ हम चेरी को इंजॉय भी करते हैं, बहुत सारी चेरी हम खाते हैं। बाग में खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो गाइस अभी आए चेरी बागान से, तो हो गई थोड़ी सी थकान, तो रूम में चल के कर लेते हैं थोड़ी देर आराम। उसके बाद एक दो जगह हैं वहाँ पर घूमने जाएंगे। बाकी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ये, तो अब थोड़ी देर आराम करते हैं। दोस्तों शाम का टाइम हो गया, टाइम हो रहा है लगभग 5 बजे का, और मैं जा रहा हूँ अभी इसी गांव के पास में एक देवता जी का मंदिर है, और उसके पास में एक बेहतरीन सी लोकेशन जहाँ पे दो तीन जो छोटी छोटी नदियाँ हैं ते हैं और एक संगम टाइप का बनाते हैं, तो बहुत अच्छी लोकेशन है। तो भैया के घर से नीचे की तरफ ही रास्ता है, तो उसी में जा रहे हैं, और मंदिर में भी जाएंगे और रास्ता भी आपको दिखाएंगे। तो अभी मैं नीचे उतर रहा था, तो बीच में एक जन मिल गए थे, और वो जिनके पास मैं रुका हुआ हूँ कंचन भाई, उनके कोई रिलेटिव हैं, तो मिल गए। बहुत सपोर्टिव होते हैं यहाँ के लोग, और अच्छे भी बहुत होते हैं। तो मेरे को बोलने लगे जब यहाँ से जाना तो चेरी लेते हुए जाना, कब जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं आज तो नहीं जाना, मेरे को कल निकलना है। तो बोले कि ठीक है, तो कल व्यवस्था हो जाएगी फिर। तो जंगलों के बीच से गुजरते हुए मजे लेते हुए जा रहे हैं, ये फिर से सेब के बागान आ गए हैं। तो दोस्तों मैं अभी इस पहाड़ से शॉर्टकट आ गया, वरना रास्ता बहुत लंबा था आगे से। और यहाँ पे एक वैली बन गई है, अच्छा लोकेशन है यहाँ पे। मंदिर के किनारे पर पहुंच गए हैं, अब चल के देखते हैं अंदर मंदिर कैसा है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। मंदिर का गेट काफ़ी बड़ा और प्राचीन होता है। जब मैं मंदिर में प्रवेश करता हूं तो सामने बहुत बड़ा कॉरिडोर मुझे दिखाई देता है। कॉरिडोर में ही एक तरफ कुछ काम चल रहा होता है, जब मैं इनसे जानकारी लेता हूं तो ये लोग मुझे बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण दोबारा से हो रहा है, क्योंकि ये बहुत पुराना मंदिर है और लकड़ी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जो पिछले 1 साल से काम लगातार चल रहा होता है और अगले 1-1.5 साल तक और काम चलेगा। मंदिर में अंदर कैमरा ले जाने की परमिशन होती नहीं है, क्योंकि मंदिर वैसे भी बंद होता है। साल में केवल 2 दिन ही मंदिर खुलता है, जब यहाँ पर विशेष पूजा होती है। तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ जरा साहिब मंदिर में, और लकड़ी लगी हुई थी, काफ़ी टाइम हो चुका है उस चीज़ को लगे हुए, तो दोबारा से लकड़ी बदली जाएगी और मंदिर का रिनोवेट होगा। ऐसा बताते हैं कि कई 100 साल पुराना मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, और कभी इस तरफ आना हो तो इस मंदिर में घूमने जरूर आइए। हाँ व्यू अच्छा है, हाँ इस वाले गेट में ओके। चलिए तो अब इसके पीछे की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ देवता साईं मंदिर के पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ भी ये पूरी वैली बनी हुई है, और अच्छा लग रहा है यहाँ से भी, ऊपर तक वैली साफ साफ दिखाई दे रही है।
तो दोस्तों फ्रंट से तो इतना ज़्यादा मंदिर अंदर से नहीं पता चल रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बैक से देखेंगे आप तो मंदिर देखिए कितना प्राचीन और पुराना मंदिर है। इसकी लकड़ी और जो रस्सियाँ इस पर टंगी हुई हैं वो ही बता रही हैं कि ये कितना प्राचीन मंदिर है। अच्छा लग रहा है। तो यहाँ एक भाई मिले थे, क्या नाम भैया? विनीत। तो अभी मेरी आँख में एक कीड़ा पड़ गया था तो भैया से हेल्प ली और वो कीड़ा निकलवाया। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यहीं रहने वाले हैं आप? तो बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे? हाँ। तो आप जब भी इस रीजन में आएँ कभी तो यहाँ ज़रूर विजिट करने आइए, बहुत अच्छी जगह है। चारों तरफ की जो वैली है काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम उत्तर टेम्पल से घूम के आए हैं और वापस उसी रास्ते से जा रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को अपना प्यार दें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने साथियों के साथ। मैं आ गया हूँ गटोला में। और जब आप किसी गांव में आते हैं, रुकते हैं वहाँ पे, चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं तो पता चलता है। बढ़िया लगा मेरे को यहाँ। ये लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही हो गया है, हवा इतनी मस्त चल रही है, थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ बैठने का मन कर रहा है तो मैं बाहर ही बैठ गया हूँ। चारों तरफ से खुला हुआ है तो अच्छी अच्छी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी। सामने पहाड़ों पे देखिए एकदम जगमग दिखाई दे रहा है, तारों की तरह लाइटें दिखाई दे रही हैं, सारे के सारे लोग रह रहे हैं, जहाँ जहाँ लाइटें आपको दिखाई दे रही हैं। आंटी जी खाना बना रही हैं, खाना आ गया। आंटी ने बड़े प्यार से बनाया खाना, रोटी है, ये बड़ी आलू की सब्जी है। तो फाइनली दोस्तों खाना पीना खा के मैं आ गया हूँ रूम में ऊपर लेटने के लिए। हिमाचल प्रदेश के एक गांव का ब्लॉग मैंने एक दिन पूरा, किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं, काम किस तरीके से करते हैं, सारी चीज़ें किस तरीके से अरेंज करते हैं, वो देखा, वो जिया। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। गुड नाइट।